गुड इवनिंग दोस्तों, वेलकम टू द रैबिट्स किचन, हियर इज द पंकज लातिया। आज मैं आपको बताने वाला हूँ घर पे हम पिज्ज़ा कैसे बनाएं। 7 साल की मोज़रेला चीज़ पिज्ज़ा बेस, यकीन मानो ये घर पे बनाया हुआ है। आप पूरी वीडियो देखो और ट्राई करना। आप सबसे पहले मैं मोज़रेला चीज़ बनाऊँगा, दूध लूँगा, उसको टेम्परेचर चेक कर लूँगा, नॉर्मल होना चाहिए। उसमें मैं 4 टेबल स्पून विनेगर ऐड करूँगा, लाते रहने और वो कुछ इस तरह हो जाएगा। उसको बाहर निकाल देना, उसका सारा पानी अलग कर देना हाथ के दबा के, और एक दूसरी तरफ मैं नॉर्मल टेम्परेचर का पानी लूँगा और उसमें डाल के मस लूँगा। बार बार 5-6 मिनट के लिए मसलते रहूँगा उसको। फिर मैं ठंडे पानी में खोलूँगा, बंद करूँगा, दबाऊँगा, बार बार दबाना है आपको 5 मिनट तक। उसके बाद मेरा चीज़ रेडी हो जाएगा। मैं उसको रैप करके 2 घंटे के लिए फ्रीज़र में छोड़ दूँगा। उसको दूसरी तरफ मैं ईस्ट लूँगा एक गिलास में और चीनी, और उस पर पानी 10 मिनट के लिए उसको छोड़ दूँगा। दूसरी तरफ मैदा लूँगा, उसमें नमक डालूँगा, बस ऑयल, ईस्ट का पानी, पानी डालूँगा और उसको अच्छी तरह गूंद के उसकी लोई बना लूँगा कुछ इस तरह सॉफ्ट सी। और एक रोटी बेल लूँगा उसको अच्छी तरह, ज़्यादा पतली नहीं करनी है, मीडियम साइज़ की, और एक ढक्कन से उसको गोल कर दूँगा कुछ इस तरह हो जाएगा। उसको फॉक्स से मैं सुराख कर दूँगा। मेरे 5 पिज्ज़ा बेस रेडी हैं, उसको मैं 2 घंटे के लिए रख दूँगा कपड़े से बांध के, फूल गए हैं कुछ, और उसको मैं वेट करने के लिए रेडी हैं। अगर आपके पास नहीं है, आप पैन में भी कर सकते हो ऊपर से ढक्कन बंद करके। परफेक्ट पिज्ज़ा बेस बना हुआ है। एक पैन में गार्लिक को मैं फ्राई करूँगा, ओनियन, टमाटो, रेड चिली, सॉल्ट, उसको अच्छे से पीस लूँगा, मसल दूँगा। ये ओरिगैनो मैंने बनाया था गार्लिक ब्रेड के वीडियो में, आप वहाँ से देख लेना। सॉस डालूँगा, बेस को मैं काटूँगा 2 हिस्सों में, और ऊपर मैं सॉस लगाऊँगा जो मैंने बनाई हुई है, वेजिटेबल्स रखूँगा ऊपर। मेरा मोज़रेला चीज़ रेडी है, उसको मैं ऊपर में स्प्रेड करूँगा और पकाने के लिए छोड़ दूँगा। आपके पास अगर नहीं है तो आप एक पैन में डाल के उसके ऊपर ढक्कन बंद करके पका सकते हो, पिज़्ज़ा बना सकते हो आराम से। जिन्होंने मेरा पेज फॉलो नहीं किया है, प्लीज़ जाके करें रैबिट्स किचन और सब्सक्राइब करें मेरा चैनल।